नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, आज फिर वेल्थी माइंडसेट में आपका जबरदस्त तरीके से स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को इतना लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं, भर भर के आपका प्रतिसाद मिल रहा है। और वेल्थी माइंडसेट सीरीज, इसको आपने जो सर आंखों पर बैठा है उसके लिए मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। आज फिर एक इसी कड़ी के अंदर वेल्थी माइंडसेट के अंदर हम लोग फिर आज एक 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत आज सीखने वाले हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मित्रों, जब इंसान पैदा नहीं हुआ था इस पृथ्वी पर जब इंसान की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। आज हमको पता चला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं, आज का आधुनिक साइंस कहता है, ये पृथ्वी के उत्पत्ति के साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। यहाँ पर इंसान पहले से ही इस चीज़ में था लेकिन उसको पता नहीं था। जैसे एक मछली है, वो तो बचपन से ही पानी में रह रही है, उसको पता ही नहीं हो पानी में रह रही है, लेकिन वो उसको पानी के बाहर उसका अस्तित्व ही नहीं है। जिस तरह से एक मछली जल के अंदर जन्म से ही रह रही है लेकिन उसको पता नहीं वो जल में रह रही है, उसी तरह से हम जब से हम पैदा हुए, जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है, उसके पहले से ही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लगा हुआ है। क्या ऐसा कौन सा सिद्धांत था जिसने न्यूटन को बताया न्यूटन के सिद्धांत के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले से ही था लेकिन उसके मन में वो आया, उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और उसने पूरी सिद्धांत का पता लगाया। राइट्स ब्रदर जो थे, विल्बर और ओलिवर, ये दो भाई के मन में कहाँ से आया, कहाँ से ये बात आई कि चलो एरोप्लेन बनाना चाहिए, पुष्पक विमान बनाना चाहिए, कहाँ से उसके दिमाग में आया? मित्रों, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल है। आज आपके घर के आजू बाजू में देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें हैं मित्रों जिसे आपने अट्रैक्ट नहीं किया। अगर आज आपके घर में वो चीज़ है तो कहीं ना कहीं आपने उसको अट्रैक्ट किया है। अगर एक बंद घड़ी है तो आपने उसको अट्रैक्ट किया, एक अच्छी चलने वाली घड़ी है तो आपने उसको अट्रैक्ट किया है, अगर आपके पास पीले रंग के 5 कपड़े हैं तो आपने उसको अट्रैक्ट किया है। हर चीज़ को मित्रों आपने अट्रैक्ट किया है और ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले जो आता है कि हमारा दिमाग मैग्नेट है, हमारे विचार मैग्नेट है, विचारों में ताकत है अट्रैक्ट करने की। आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप हर समय? आप यहाँ पर भी अगर मुझे सुन रहे हैं मित्रों, किसी न किसी चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। चम्मच को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, थाली को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, भोजन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, खाने को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, बंगले को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, किसी सेलिब्रिटी को मिलने के लिए अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन हमेशा आप का विचार मैग्नेटिक बन के वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है मित्रों, कहीं ना कहीं आप जिस तरह से एक मैग्नेटिक चीज़ मेरे पास कोई है अगर, और मैं किसी पर भी रखूँगा, किसी भी लोहे को रखूँगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पीतल है तो पीतल तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, सिर्फ मैग्नेट ही अट्रैक्ट करेगा। मित्रों, हमारा दिमाग में इतनी शक्ति है, ईश्वरी हमारे दिमाग के अंदर इतनी शक्ति है कि हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लाल बाग का दर्शन करके आए और बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। जिन्होंने दर्शन करके आया, आप उनको पूछेंगे तो बोलेंगे साहब हमने अट्रैक्ट किया, गणपति शुरू होने के पहले ही हमने चालू कर दिया था, अपने को लाल बाग का राजा देखना है। लोग बोलेंगे 4 घंटा लगता है, 5 घंटा लगता है, 15 घंटा लगता है, 20 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 20 घंटे लगते हैं, फिर भी उन्होंने अट्रैक्ट करके रखा है, मन में भावना रखी कि मुझे लाल बाग के राजा को मिलना है, इस बार तो दर्शन करके ही आएंगे। और देखिए वो दर्शन कर लेते हैं, ईश्वरी यश वो लोग दर्शन कर लेते हैं, और बाकी लोग सोचते रहते हैं ना, वो अट्रैक्ट सोच रहे हैं लेकिन उनमें वो चुंबक नहीं है, उसमें वो चुंबक नहीं आ रही है। तो जिस दिन आपके विचार में मैग्नेटिक पावर आ जाएगा, उस दिन आप चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मैग्नेटिक माइंड, मैग्नेटिक थॉट्स, मैग्नेटिज्म थॉट्स। सबसे पहला नियम क्या है, मैग्नेटिज्म थॉट्स। क्या लिखेंगे कमेंट्स में आप लोग, लिखेंगे मैग्नेटिज्म थॉट्स, चुंबकीय विचार करने की शक्ति, चुंबकीय शक्ति आपके पास है कि आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं मित्रों, हर चीज को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, हर चीज। आप कोई क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप कुछ नया बनाना चाहते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है मैग्नेटिक थॉट्स होना चाहिए, करिश्माई जादू होना चाहिए, मैग्नेटिक थॉट्स। अब दूसरा नंबर पे आता है, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए जो आपको चाहिए।
यानी फोकस, आपको क्या करना है, फोकस उस चीज पर ध्यान देना मित्रों, उस चीज पर यश सृष्टि निशा ईश्वरी, उस चीज पर आपको फोकस करना है, उस चीज पर फोकस करना है जो आपको चाहिए, जो चाहिए। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, आज दशहरा का दिन है, 20 दिन के बाद दिवाली है, आज दशहरा का दिन है मानो और 20 दिन के बाद दिवाली है, आज आपने लाल रंग की गाड़ी, लाल रंग की गाड़ी आज आपने बुक कर दी, लाल रंग का स्कूटर, आज आपने लाल रंग का स्कूटर बुक कर दिया, बुक कर दिया और घर पे जा रहे हैं आप यहाँ से शोरूम समझो 1 किलोमीटर है, बुक करके आप घर पे जा रहे हैं, आपने बुक कर दिया, आधा पैसा दे दिया और बोले दिवाली को मैं अपना स्कूटर लेकर जाऊँगा लाल रंग का। जब आप घर पे जाएंगे ना मित्रों, 1 किलोमीटर तक आप चल रहे हैं, इसके पहले कभी आपने लाल कलर का गाड़ी नहीं देखा होगा, अब आपको 10-20 गाड़ी दिखेगी। निशा घर पे जाते जाते आपको ये लाल रंग, वो लाल रंग, ये लाल रंग, वो लाल रंग, लाल रंग का स्कूटर, लाल रंग का कार, लाल रंग का इंसान, लाल रंग का टी शर्ट, लाल रंग का कैप, कितनी सारी लाल रंग की चीजें दिखाई देने लगेगी, क्योंकि अब आपके मन में आ गया है, अब आपके मन में आ गया है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक माइंड में आ गया है लाल रंग। तो आपका फोकस अब इसी पर जाएगा, जिस चीज पर आप फोकस करते हैं जिंदगी में वही मिलता है मित्रों, जिस चीज पर आप फोकस करते हैं ना जिंदगी में वही मिलता है। आप कौन सी चीज पर फोकस कर रहे हैं, कौन सी चीज पर मित्रों फोकस कर रहे हैं, कहां पर फोकस कर रहे हैं, जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वही चीज जिंदगी में आने लगती है। और ये मैंने देखा है मित्रों, अपने लाइफ में मैंने इस चीज पर बहुत सारा गहन अध्ययन किया, स्टडी किया है और उसका मैंने रिजल्ट भी पाया। तो दूसरे नंबर पे आता है फोकस, क्या आता है बेटा, फोकस। तीसरे नंबर पे आता है ट्यून, आप ट्यून हो जाइए, फोकस होने के बाद ट्यून होना है, फोकस होने के बाद 3 नंबर पे आता है ट्यून। लाखों करोड़ों रुपया आपके आजू बाजू में चल रहा है, घूम रहा है, आप किसी बैंक से बजट गज किसी बैंक के बगल से गुजर रहे हैं, आपको पता है उस बैंक में करोड़ों रुपया रखे गए लॉकर के अंदर, करोड़ों रुपये आपके आजू बाजू में मित्रों, लेकिन आप में पात्रता नहीं इसलिए आप निकाल नहीं सकते। जो ATM में जाते हैं सृष्टि, आपने कार्ड डाला और पैसा निकाला, उस ATM के अंदर करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आपके वो ATM में वो ताकत नहीं है करोड़ों रुपए निकालने की, क्योंकि आपने जमा कितना किया है, 20,000 रुपया। यश अगर आपने 20,000 रुपया जमा किया है तो कितना निकाल सकते हैं आप ईश्वरी, 20,000 ही निकाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं निकाल सकते, क्योंकि पात्रता उतनी की है। जिस दिन वो फोकस बढ़ जाएगा, जिस दिन पात्रता बढ़ जाएगी, उस दिन करोड़ रुपए भी आप निकाल सकेंगे। अपनी पात्रता बढ़ाते रहिएगा और ट्यून करते रहिएगा साथ, ट्यून आपको ट्यून करना है, ट्यून होना है। यहाँ पर बहुत सारे रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, पता है आपको, आप जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर अभी आप बैठे हैं वहाँ पर बहुत सारे रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, लेकिन सब सुन सकते हैं क्या, नहीं। आपके लिए एक रेडियो लगेगा, वो रेडियो को ट्यूनिंग करना पड़ेगा, जैसे रेडियो को ट्यून कर देंगे आप तो वो स्टेशन आपके पास आएगा 93.3, 93.3, 101.4, इस तरह का स्टेशन आप सुन सकते हो। अगर आपके लाइफ में सिर्फ समाचार आप सुन रहे तो आपने ट्यूनिंग वहीं पर किया है, अगर आपको गाना सुनना है तो गाने को ट्यूनिंग करना पड़ेगा। अगर आप किसी अन्य भाषा में अगर रेडियो सुन रहे हैं, इसका मतलब आपने रॉन्ग स्टेशन चूज़ किया है मित्रों, अब आपको आपकी भाषा को ट्यून करना पड़ेगा। अगर आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो आपने ट्यूनिंग सृष्टि ट्यूनिंग 10,000 रुपये किया है, अगर आपको 1,00,000 रुपया मिल रहा है तो ईश्वरी आपने 1,00,000 रुपये पे ट्यूनिंग किया है। यश अगर आपको 10,00,000 रुपया मिल रहा है साल का तो आपने 10,00,000 रुपये पे वो ट्यूनिंग किया है। जितने जिसने हर एक ने ट्यूनिंग करके रखा है, आपकी पात्रता नहीं साहब, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं, आपका वाइब्रेशन काम करता है। तो चौथे नंबर पर आता है वाइब्रेशन, ट्यूनिंग के बाद आता है ट्यूनिंग, ट्यूनिंग के बाद आता है मित्रों वाइब्रेशन। आपका आता है वाइब्रेशन, आप वाइब्रेशन आप अट्रैक्ट कर रहे हैं साहब, आपने क्या वाइब्रेट करके रखा है, आपका वाइब्रेशन क्या है। यूनिवर्सल को आपकी भाषा नहीं समझ में आती, हिंदी मराठी अंग्रेजी गुजराती तमिल तेलुगु मलयालम क्रियोल फ्रेंच इंग्लिश, यूनिवर्सल को ये भाषा नहीं समझ में आती, गणपति बप्पा को ये भाषा नहीं समझ में आती है, वो सिर्फ आपकी भावना को पढ़ते हैं, वो सिर्फ आपके वाइब्रेशन को पढ़ते हैं। आप कौन से वाइब्रेशन के साथ बैठे हैं, कौन से पात्रता के साथ बैठे हैं, कौन से भावनाओं के साथ बैठे हैं, आपके भावनाएं आपके GPS है, आपकी भावनाएं क्या है GPS है। GPS क्या होता है, गूगल में जाते हैं ना आप,
आपको कहीं जाना है तो आप गूगल में लिखते हैं कि अभी आपको जाना है CST, आप CST लिखेंगे, आप कहाँ पर हो, कल्याण में हो, कल्याण से CST जाने का आप GPS लगाते हैं, या लालबाग का राजा जाना है तो आप पहले मोबाइल में सेट करते हैं। अगर आपको कहीं नई जगह पे जाना है, अंबरनाथ में जाना है, बदलापुर में जाना है, कहीं पर भी जाना है, राजस्थान में जाना है, तो आप GPS लगाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये सही है कि गलत है, ये कौन बताता है? ये आपकी भावनाएं बताती है, आपकी भावनाएं सेट करती है मित्रों कि आपको कहां पर जाना है और किस तरह से आप सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वाइब्रेशन, आपको हमेशा वाइब्रेशन हाई रखना है। मेडिटेशन कीजिएगा, अच्छे लोगों के साथ में रहिएगा, अच्छी किताबें पढ़िएगा, अच्छे वीडियो देखिएगा, अच्छे भावनाओं को अपने अंदर आने दीजिएगा। गलत भावनाएं भी आती है, आने दीजिएगा, लेकिन उसको जल्दी से जाने भी दो। जितना रोकेंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इसलिए गलत भावनाओं को वहीं से जाने दीजिएगा। एक तो पहले तो उनके हमारे में कहा जाता है, जिस गांव में जाना नहीं वहां का रास्ता पूछना नहीं। क्या है? जिस गांव में जाना नहीं उस गाँव का रास्ता पूछना नहीं। तो हमको निगेटिव में नहीं जाना है, हमको रास्ता भी नहीं पूछना है, हमको सकारात्मक रहना है, अच्छी बातें करनी है। और सकारात्मक रहने से आप अपने वाइब्रेशन को, आपका जो वाइब्रेशन का टावर है, आपके वाइब्रेशन का टावर है निशा, उसको आप बढ़ा सकते हैं, आपके वाइब्रेशन के टावर को आप बढ़ा सकते हैं। तो वाइब्रेशन के टावर को बढ़ाइए साहब। तो अपनी भावनाओं को देखिए, आपकी भावनाएं आपको बताते हैं आप सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। उसके बाद आता है ग्रैटिट्यूड। आप ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं मित्रों, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए। जितना शिकायत करेंगे उतना नीचे जाएंगे, जितना ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, जितना धन्यवाद देंगे उतना ज़िंदगी में आप आगे जाएंगे। आपको प्रकृति, आपको लोग, सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं। ये पांच चीज़ें हैं मित्रों। सबसे पहले अपने माइंड को मैग्नेटिक माइंड बनाइएगा, फोकस बढ़ाइएगा, ट्यूनिंग करना शुरू कीजिएगा, वाइब्रेशन करना शुरू कीजिएगा और ग्रैटिट्यूड में रहना शुरू कीजिएगा। जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे उतना लोग आपको सपोर्ट करेंगे। पैसे के बारे में मित्रों ये कुछ सिद्धांत मैंने आपको बताया, इस हफ्ते तक, 5 दिन तक 7 दिन तक ये करके देखिएगा। भगवान कृष्ण जो है, भगवान गणपति है, भगवान, सारे भगवान चाहते हैं आप आगे बढ़े, सारे ईश्वर चाहते हैं, सारे मज़हब के ईश्वर आपको चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़े। इसीलिए आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म गरीब बनने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म समृद्ध बनने के लिए हुआ है। समृद्ध बन के लोगों को बांटिए, जितना बांटेंगे उतना और आपके पास आएगा। ये बोनस पॉइंट बता रहा हूँ मित्रों। अगर आज 10 रुपया आता तो 1 रुपया निकालिएगा, 100 रुपया आता तो 10 रुपया निकालिएगा, 1000 रुपया आते तो 100 रुपया निकालिएगा, और 10,000 रुपया आता तो 1000 रुपया निकालिएगा। 10% निकाल के साइड में रखिएगा, क्योंकि किसान क्या करता है, बेटा जब वो अनाज उगाता है तो उसमें से सबसे अच्छे जो रहते हैं ना, उसको 10% को अलग कर लेता है। वो जानता है कि ये 10% से मैं और 1000% बना सकता हूँ। तो जितने अनाज होते हैं ना, अगर 100 बोरी अनाज हुए तो उसमें से एक बोनी, उसमें से एक जो है 10%, उसकी में से 10 बोरी वो अपने पास रखता है, बाकी को बांट देता है। ये 10 बोरी वो फिर से ज़मीन में डालता है, फिर से ज़मीन को दान देता है और वो ज़मीन उसको और बढ़ा के देता है। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। ये बात है मित्रों। जब भी आप निराश होते हैं तो गाना गाइएगा, अच्छे से गाना गाइएगा कि ऊपर वाला मुझे देख रहा है, ऊपर वाला मुझे देख रहा है और मैं उसे महसूस कर रहा हूँ, ऊपर वाला मुझे देख रहा है, मैं उसे महसूस कर रहा हूँ, मेरी सारी चिंताओं को वो हर रहा है, मैं हर दिन नया बन रहा हूँ। ऐसी गाना गाइए, ऐसे विचारों को आने दीजिएगा, ऐसे गानों को देखिए। आप जो गाना सुनते हैं ना, ये भी आपके वाइब्रेशन को कम ज़्यादा करते रहते हैं। अगर आप निगेटिव गाना सुनेंगे तो नीचे आएंगे और अच्छे गाने सुनेंगे तो ऊपर आएंगे। निगेटिव वीडियो देखेंगे तो नीचे आएंगे, अच्छे वीडियो देखेंगे तो ऊपर आएंगे। निगेटिव बातों को सुनेंगे तो आप नीचे आएंगे और अच्छी बातों को सुनेंगे तो आप ऊपर आएंगे। ये सारी चीज़ें कीजिएगा मित्रों। आज से मैग्नेटिक माइंड को मैग्नेटिक बनाइए, क्योंकि ईश्वरी आपके विचारों में मैग्नेट है, लौह चुंबक है। उसके बाद फोकस, जो चीज़ चाहिए उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या चाहिए उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। मुझे 1 करोड़ चाहिए, 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, जो भी चाहिए। उसके बाद आता है कि मुझे ट्यूनिंग करना है। अपने आप को ट्यूनिंग करना शुरू कीजिएगा, उस अलाइनमेंट करना शुरू कीजिएगा वाइब्रेशन के साथ, और ग्रैटिट्यूड में रहिए मित्रों। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई, और ऐसे ही मैं और भी बातें आपको पैसे के बारे में बताते रहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा। आपके जो कमेंट्स है, आपके जो विचार है, आपके जो सब्सक्राइब करने का एक्शन है, ये हमें मोटिवेट करते रहते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।